हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, जीविका की तरफ से एक बहुत अच्छी अपडेट आई हुआ है नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग जैसे बात कर रहे थे, एसी के जो एग्जाम हुआ था एरिया कोऑर्डिनेटर का, उसमें जो है हर शिफ्ट का जो है लगभग दो शिफ्ट का एग्जाम जो था बहुत हार्ड था, जैसा कि कैंडिडेट लोग स्टूडेंट लोग ने बताया था कमेंट करके। तो उन लोगों का मार्क बहुत कम आ रहा था। यहाँ जो है जीविका वाले ने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नोटिस, आज 2 सितंबर के आज ही के डेट में आई हुई है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बोला जा रहा है जैसे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एलएस बीए का जो है, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो है मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। और उसमें जो है ये लोग कोशिश किए थे कि ऑल शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन जो है लगभग सेम रहना चाहिए, मतलब उसका जो लेवल है वो सेम रहना चाहिए। मगर फिर भी जो है कुछ कुछ शिफ्ट में जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था। तो इसके लिए जो है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसमें करना क्या है, इसमें कंपेयर किया जाएगा हर शिफ्ट का जो एग्जाम में कैंडिडेट कितना मार्क ऑब्टेन कर रहा है उसके आधार पर। और जो अभी देश में जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन रूल है, जैसे एग्जाम होता है रेलवे वगैरह में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे पूरा साफ साफ लिख दिया है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। तो ये चीज कहा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन जो है आप लोगों के लिए होगा। तो जिसको जो कम मार्क आ रहा था तब उसका मार्क बढ़ जाएगा, जो यदि हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है तो टेंशन लेने का बात नहीं है। अब बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए, जिनका जो है हार्ड शिफ्ट में पकड़ाया था और जो है बहुत कम मार्क उसमें आ रहे थे, तो टेंशन लेने का बात नहीं है, मार्क आप लोगों का बढ़ जाएगा अब। और दोस्तों, आप लोगों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर फुल फॉर्म का वीडियो डालिए। सर दोस्तों, जो है फुल फॉर्म का वीडियो ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो जो मेरा जीविका से था वो फुल फॉर्म से रिलेटेड ही था। फुल फॉर्म से रिलेटेड लगभग मैंने 50 क्वेश्चन अपलोड किए थे, और जितना भी मैं 14 से जो 25 सेट बता रहा हूँ एबीसी पब्लिकेशन का वो बुक से लिया गया है। तो उसमें बहुत सारे जो है मैं फुल फॉर्म यूज किया हूँ, बहुत सारे टर्म में फुल फॉर्म उसमें है। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो उसको मैं भारतीय योजनाओं से रिलेटेड एक पीडीएफ शेयर किया हूँ, उससे बाहर तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना सारा उसमें योजना है, सारा योजना का कवर किया गया है। और एक वीडियो मैं बिहार योजनाओं से रिलेटेड मैं डाल चुका हूँ, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। और भारतीय योजना का पीडीएफ है तो वो भी आप लोग नहीं मिला है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, या आप मेरे को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा तो वहां पे मैं शेयर कर दूंगा फिर से। बहुत सारा पीडीएफ मैं शेयर किया हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एबीसी पब्लिकेशन का जो है डिस्क्रिप्टिव जो है वो सब मैं शेयर कर चुका हूँ। और क्वेश्चन तो आपका जितना भी 10 मॉडल पेपर है एबीसी पब्लिकेशन का, वो तो 14 से 25 मॉडल पेपर जो है वो डाल चुका हूँ। जितना भी है अभी सब सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। फालतू का वीडियो बनाने से अभी कोई फायदा है नहीं, तो मैं जो है आप लोगों के लिए जो है आंसर की जो है जितना एग्जाम का हुआ है वो लेके आ रहा हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी 2 सेट और मेरे पास है आंसर की है, तो मैं कोशिश करूंगा आज जो है जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए शेयर कर दूं, ठीक है। तो अभी आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा ये वीडियो देख के तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।